स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। स्टैंडर्ड सिक्स, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 4, सोना और लोहा। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना क्या कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ और मेरी भी क्या अलग शान है, जिसे देखो वो मुझे चाहता है, जो भी लोग मुझे देखते हैं वो मुझे चाहने लगते हैं, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कर रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे। लोहा क्या कहता है, नमस्ते, आप क्या कर रहे हो, मेरा। और लोहा सोने को चिढ़ाने लगा, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोना क्या कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता हुआ पीला रंग देख, मतलब आकर देख, मैं संसार में, संसार यानी दुनिया में मैं सबसे सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ। लोहा, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लोहे ने क्या कहा सोने को कि सोना तू जरा ये बता कि तू तिजोरी यानी लॉकर से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहे ने क्या कहा कि तुझे लाख बार, तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे तिजोरी से बाहर नहीं आना है, तेरा तिजोरी से बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मगर तू ये बातें मानता ही नहीं, और तेरी रक्षा यानी तेरी सिक्योरिटी का जो भार है, जिम्मेदारी है, वो क्या है, मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। तो सोने ने क्या कहा कि मैं तो राजा हूँ और तुम सब मेरे नौकर चाकर हो, तो उसकी रक्षा तो तुम लोग को करनी ही है। लोहा, अच्छा तू राजा और मैं नौकर। लोहे ने क्या कहा, अच्छा बेटा तू राजा है और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। लोहे ने क्या कहा, चल अंदर जा, वरना मैं अगर तुझे एक चाटा यानी एक थप्पड़ मारूंगा तो तेरा जो रूप है यानी जो तेरा आकार है वो ही बदल जाएगा। सोना, भले ही तू मुझे बड़े हो मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। सोने ने क्या कहा, भले ही तुम मुझसे बड़े हो लेकिन मुझे डांटने का तुमको कोई भी अधिकार, कोई भी हक नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। सोने ने क्या कहा कि मेरे 10 ग्राम का मूल्य यानी वैल्यू 25,000 रुपये है और तुम 25-30 रुपये किलो में हो। लोहा, रुपए में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। लोहे ने क्या कहा कि जो लोग वस्तुओं को रुपए से तोलते हैं, उसका मूल्य लगाते हैं, वो व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है, लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन चीज़ कितनी ज़्यादा उपयोगी यानी यूजफुल है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। सोने ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, चलो सोने से पेट नहीं भरता है ना, तो लोहे से पेट भरता है। लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। लोहे ने क्या कहा, अगर मैं रहूंगा ही नहीं तो तुम लोग फावड़ा, कुदाल और खुरपी कैसे बनाओगे। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। अगर हमें मकान बनाना है, घर बनाना है, तो हमें लोहा चाहिए युद्ध में, जब हम लड़ाई करने जाते तो हमारे पास जो हथियार होते हैं वो भी लोहे से बने होते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। अगर तुमको कोई बड़ा काम करना हो तो बिना लोहे के हम वो काम नहीं कर सकते। रोटियाँ भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। सोने ने क्या कहा कि जो गले में जो माला पहनते हैं, हाथ में जो अंगूठी पहनते हैं, कान में जो बाली पहनते हैं, ये सब लोहे से नहीं बनती है, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ। सोने ने क्या कहा कि मैं राजा महाराज और धनिक यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मैं उन सब का क्या हूँ, प्यारा हूँ। मैं ऊँची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। सोने ने क्या कहा कि मैं ऊंची जगह पर रहता हूँ, मैं नीचे नहीं उतरता। लोहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। लोहे ने क्या कहा कि तू तो पैसे वालों का प्यारा है लेकिन मैं तो
किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। लोहे ने क्या कहा, अब तो राजाओं के दिन चले गए हैं, अब तो जो मेहनत करता है, श्रमिक यानी जो मेहनत करता है, श्रम करता है, उनके दिन चल रहे हैं। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूँ, आया हूँ और रहना चाहूँगा। सोने ने क्या कहा कि मुझसे बिल्कुल मेहनत नहीं है, मैं हमेशा से आराम से रहता आया हूँ और आराम से ही रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। लोहे ने क्या कहा कि आराम हराम है, श्रम यानी जब हम मेहनत करते हैं तभी हमारा जीवन सफलता से भरा रहता है। लोहे ने कहा कि तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। सोने ने क्या कहा कि दादा मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम मुझे बताओ कि मेरा क्या होगा। लोहा, तू डाल डाल में पात पात में डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहे ने क्या कहा कि तुम डरना छोड़ दो, मैं हमेशा से तुम्हारी रक्षा करते आया हूँ और आगे भी करूँगा, सिर्फ तुम घमंड जो कर रहे हो उसे तुम छोड़ दो। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। सोने ने कहा कि भैया हाँ ठीक है, मैं घमंड करना छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरी रक्षा करो। लोहा, अच्छा अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। लोहे ने कहा कि ठीक है चलो, तू मेरा छोटा भाई है ना, अब तू अंदर जा और जब तक मैं तुझे बोलूँ ना, और मुझसे बिना पूछे बाहर मत आना। थैंक यू।